लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले। जरा मुझे देखेगा वो, मैं आपको दाग बताना चाहता हूं। लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसका मतलब है कि हजरत ने आपकी तरबियत की है सुनने की। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थे चराग ले के चले, तेरे गुलाम का तेरे नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले के चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले के चले। अब जरा तगड़े हो जाएं। आला हजरत का ये शेर पढ़ने के लिए मैंने इस नात का आगाज किया है। जीना बनेगी जीना बनेगी, अरे जीना बनेगी मोहिबान चार यार की कब्र, अल्लाह या रसूल हक चार यार, जीना बनेगी मुहिबान चार यार की कब्र, अरे जीना बनेगी मुहिबान चार यार की कब्र, जो अपने सीना में ये चार बाग ले के चले, जो अपने सीना में ये चार बाग ले के चले। आला हजरत फरमाते हैं, मदीना जाने जीना नो जहां है,
मदीना जाने मदीना जाने जिनानो जिना है वो सुन ले जिन्हें जुनून जिना सुए जागले के चले। फिर हुजूरे तैबा से भी कोई काम बढ़ कर है, हुजूरे तैबा से भी कोई काम बढ़ कर है के झूठे ही लाओ मकरो फराग ले के चले। रजा किसी रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे। हाय 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 हाय। रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे तुम और आह के इतना दिमाग ले